केआईएमआईएम जल्द जारी कर सकती है लिस्ट। यूपी में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में चुनाव लड़ेगी एमआईएम। एमआईएम के यूपी सदर लड़ सकते हैं चुनाव। आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं शौकत अली। मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अमरोहा, कैराना से भी एमआईएम अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। अलीगढ़, सहारनपुर से भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। वहीं रामपुर से भी उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम। तो मुस्लिम बहुल इलाके जहां पर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन जिलों में पहले ही उम्मीदवार उतारने का जो ऐलान है वो एमआईएम के जरिए किया गया था। कहा गया था कि लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा जाएगा उम्मीदवारों को। रब आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि फाइनल लिस्ट लगभग तैयार है, फाइनल मुहर लग चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद, कुछ ही वक्त में इसका भी ऐलान किया जा सकता है कि कहां से किस उम्मीदवार को पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है। 20 सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार उतार सकती है। सभी मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं जहां पर एमआईएम चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में दिखाई देंगे। बता दें कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं शौकत अली। मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर से उम्मीदवार उतारेंगे। अमरोहा, कैराना, अलीगढ़, सहारनपुर और रामपुर से उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। एमआईएम के जरिए ऐलान पहले ही किया गया। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा अतीक जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अतीक, क्या खबर मिल पा रही है? लिस्ट लगभग तैयार बताई गई, कब तक इस बात का ऐलान किया जा सकता है? कौन से चेहरे जो है लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं? ये बिल्कुल कहते हैं, एआईएमआईएम की जो अभी लिस्ट आने वाली है, जल्द ही लिस्ट जो है आ सकती है। इसमें लिखा जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यूपी के जो पश्चिमी इलाके हैं, वहां पर जो है अपने प्रत्याशियों को उतारे, क्योंकि मुस्लिम इलाकों से एआईएम को पक्का जो वोट बैंक है वो मजबूत रहता है, वोट मिलता है। इसको अभी अलग की बात चल रही है कि आजमगढ़ से जो अध्यक्ष शौकत अली, उनको एआईएम टिकट दे सकती है और मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर मुस्लिम क्षेत्र, वहां से भी जो है प्रत्याशी को टिकट दिया जा सकता है और जो इनके प्रवक्ता हैं उनको भी टिकट दिया जा सकता है। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मुस्लिम हालांकि है उनको लेकर चुनावी मंथन चल रहा था और किस किस यहाँ से किस किस कहते हैं कि जिले से कौन कौन प्रत्याशी का सर्वे कराया गया था और कौन प्रत्याशी कितना मजबूत है उनको लेकर संकेत चल रहा था। हालांकि ये बात चलते कि एमआईएम चाहती थी कि बसपा से मिलकर वो गठबंधन चुनाव लड़े, मगर बसपा तरफ से कोई अभी तक ऐसा ऐलान नहीं मिला है, ना ही कोई बातचीत हो पाई है, जिसको लेकर ये घोषणा की जा रही है कि जल्द ही एमआईएम के प्रत्याशी जो है अब यूपी उतारे जाएंगे और 20 ऐसे जो जिले हैं जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे। और कहना कि अगर वोट कटता है तो फायदा कहना कि भाजपा को जैसे मिलता था वैसे फिर मिल सकता है। जी बिल्कुल अतीक, और लेकिन इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है एमआईएम। शुरुआती दौर में कहा गया, एमआईएम की ओर से भी इल्जाम लगाया गया कि हमें शामिल करने की, हमसे बातचीत करने का जो रास्ता है वो नहीं अख्तियार किया गया, वो कोशिश नहीं की गई और इसी वजह से तमाम सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। इंडिया तहत को भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कोई पहल यहाँ पर की जा सकती है? किस तरह से बातचीत का रास्ता यहाँ अख्तियार किया जा सकता है? क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी हालांकि एआईएमआईएम की जो प्रत्याशी की लिस्ट वो नहीं आई है, पूरी कोशिश की जा रही थी। जो चीफ है एआईएम के वो है भी